एमपी में कांग्रेस की गुटबाजी और आपसी कला के कारण ही प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो गया है। आपसी खींचतान और गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा है, लेकिन फिर भी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी लंबे समय से चली आ रही है और कांग्रेस आलाकमान भी गुटबाजी को रोक नहीं पाए हैं। राज्य में 22 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव किसी वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता एमपी उपचुनाव में पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कमलनाथ के सबसे नजदीकी नेता रहे जीतू पटवारी के बयान के बाद तो यही लग रहा है कि क्या जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा उपचुनाव में हार स्वीकार कर ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि वो किसान कर्ज माफी की शेष बची हुई प्रक्रिया को पूरा करें। उनकी इसी मांग के कारण प्रश्न उठ रहा है कि क्या उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार को स्वीकार कर लिया है। चुनाव से पहले अक्सर नेता किसानों को आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता न करें, उपचुनाव में जीत कर आने के बाद जब मध्य प्रदेश में फिर से कमलनाथ की सरकार होगी तो हम कर्ज माफी की बाकी प्रक्रिया भी 10 दिन के अंदर पूरी कर देंगे। जीतू पटवारी का बयान कुछ इस तरह का आभास दिलाता है कि इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को शेष कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया है। उधर राज्य में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच भी घमासान मचा हुआ है। इससे भी कांग्रेस के दूसरे नेता आहत हैं और मान रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।